हेलो, आई एम आबिदा एंड वेलकम टू माय फ्लेवर्स। आज हम हरे लहसुन की चटनी बनाएंगे। हरे लहसुन सर्दियों में इजीली अवेलेबल होते हैं और इनसे बनने वाली चटनी खाने में बहुत ही टेस्टी और रिफ्रेशिंग होती है। ये लहसुन की चटनी रोटी, सैंडविचेस और स्नैक्स के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। चटनियों की और भी रेसिपीज देखने के लिए आप ऊपर दिए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको ये हरे लहसुन की चटनी की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स और फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आइए अब हम लहसुन की चटनी बनाना शुरू करते हैं। हरे लहसुन की चटनी बनाने के लिए हम 125 ग्राम हरे लहसुन लेंगे। हरा लहसुन बिल्कुल हरे प्याज जैसा ही दिखता है। इसमें से हम ग्रीन्स और व्हाइट्स को काट कर अलग कर लेंगे। अब इस व्हाइट का हम ऊपर का छिलका हटा लेंगे और इसी तरह से हम सारे लहसुन पत्तों से अलग करके छील लेंगे। यह देखिए, मैंने सारे लहसुन छील कर धो लिए हैं। यह लहसुन के पत्ते हैं, इनमें से खराब व सूखे पत्ते हटाकर इन्हें भी अच्छे से धो लिया है। चटनी बनाने के लिए हम लेंगे 3 से 4 हरी मिर्च, 1 से 1.5 कप धनिया और 3 से 4 खट्टे टमाटर। अब एक ब्लेंडर लेकर इसमें लहसुन डाल देंगे। अब इसके ऊपर इन पत्तों को काट कर डाल देंगे। ये चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है और कच्चे लहसुन और इन पत्तों से इसमें बहुत ही रिफ्रेशिंग फ्लेवर आता है। मेरा ब्लेंडर छोटा है इसलिए हम सारे पत्ते इसमें एक साथ नहीं डालेंगे, बल्कि थोड़ा थोड़ा डालकर पीसते जाएंगे। पत्तों के बाद अब हम इसमें हरी मिर्च काट कर डाल देंगे। अभी मैं इसमें 3 हरी मिर्ची डाल रही हूँ, बाद में जरूरत होगी तो हम इसे भी डाल देंगे। हरी मिर्च के बाद इसमें टमाटर डाल देंगे। अभी ये जार फुल हो गया है इसलिए पहले हम इन चीजों को पीस लेते हैं। देखिए, थोड़ा सा चर्न करने पर इसमें जगह हो गई है। अब इसमें हम बाकी के टमाटर, 1/2 टीस्पून जीरा, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे पीस लेंगे। ये देखिए, हमारी हरे लहसुन की चटनी पिसकर तैयार है। बचे हुए पत्ते और धनिए को भी मैंने इसमें डालकर पीस लिया था। इस चटनी को एयरटाइट कंटेनर में निकालकर फ्रिज में स्टोर करके कई दिनों तक यूज कर सकते हैं। आप इस हरे लहसुन की चटनी को जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको ये कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सभी रेसिपीज को रिटर्न में देखने के लिए मेरी वेबसाइट को विजिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ फ्लेवरफुल ईटिंग।